हाँ तो आप सभी आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, मैं आपका बेटा योगेश महाराज बड़ा ही सुंदर भजन लेकर के आया हूं आपके बीच में। जीवन बेकार प्रभु के भजन में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 97194734। हमारी भागवत कहती है पुरुष और प्रकृति ये दो है, इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य में हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना ममता तांडव्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम है कर्म। कर्मों का रहस्य बड़ा ही विचित्र है। कर्मों को हमें तुम्हें सुधारना है। जब तक हमारे तुम्हारे कर्म नहीं सुधरेंगे जब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोए वही फल चाखा। कर्म की जो क्रिया है, कर्म का जो विधान है वो सबसे श्रेष्ठ है मेरे बंधु। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी भागवत कह रही है, हमारी रामायण कह रही है, हमारी गीता भी कह रही है, हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो सभी क्रम इस कर्म को प्रधान बताते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन बेकार है बिना भजन के। ये भी हमारा कर्म है भजन करना। अगर हम भजन करेंगे तो अवश्य ही प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। आइए लेते हैं भजन का आनंद। जीवन बेकार प्रभु के भजन बिन, जीवन बेकार प्रभु के भजन बिन, जीवन बेकार प्रभु के भजन बिन। प्यारे इस दुनिया में जीवन में भजन नहीं, वो पशु के समान बताया है। इसलिए भजन करिएगा और अपने अगले जन्म को सुधारिएगा, सुनिएगा भजन। जीवन की ये डोर मूरख हर के हाथ में सौंपो, जो को करो काम तुम हर के ऊपर रोपो, जीवन की ये डोर मूरख हर के हाथ में सौंपो, जो को तुम करो काम बाय हर के ऊपर रोपो। झूठो संसार हर के भजन बिन, झूठो संसार हर के भजन बिन,
अगर तो करियो। कर प्रचार हरि नाम को जीवन सफल बनियो। हर के नाम को उपरचार तुम घर घर यो करियो। कर प्रचार हरि नाम को जीवन सफल बनियो। जीवन बेकार हर के भजन बिन। जीवन बेकार प्रभु के भजन बिन। प्यारे खुद भजन करो और दूसरों से कराओ, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है दुनिया में। जीवन करो कवाड़ो। घर के नाम को प्यारे तुमने एक ही बार पुकारो। पीपी दारू तुमने मूर्ख जीवन करो कवाड़ो। घर के नाम को प्यारे तुमने ना भी कभी पुकारो। जीवन करो ख्वार हर के भजन बिन। जीवन बेकार हर के भजन बिन। जीवन बेकार प्रभु के भजन बिन। जीवन बेकार प्रभु के भजन बिन। जीवन बेकार हर के भजन बिन। जीवन बेकार प्रभु के भजन बिन। जीवन बेकार हर के भजन बिन। हाँ, तो आप सभी आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग का। मेरे भगवत प्रेमियों, गलत मार्ग पर चलने वाला जीवन भर पछताता है। मेरे बंधुओं, कभी भी हमें अपने जीवन में गलत मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। भागवत का एक बहुत ही सुंदर लेख है, प्रसंग है हमारे जड़ व्रत जी का। हमारे जड़ व्रत जी को अपने आगे पीछे वाले जन्मों का सब कुछ याद था, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने एक मृगवाल से प्यार किया, उसके कारण उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में निश्चय कर लिया था कि मैं अब किसी से भी इस दुनिया में प्रेम नहीं करूंगा, लगाव नहीं करूंगा। वो पागलों की भांति घूमते थे, इसलिए उन्हें लोग जड़ भरत जी कहते थे। ऐसे लोग परमहंस का स्वरूप होते हैं, भगवान के अति प्यारे होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। हमारे जड़ भरत जी ने क्या किया, जंगल में घूमते थे, एक राजा रहुगढ़ जो पालकी में बैठ करके जा रहे थे, तो उनका कहार एक बीमार पड़ गया। आज जब पालकी में कहार बना लिया हमारे जड़ भरत जी को, तो वो जीवों को बचाने के लिए, चींटी और चींटा को बचाने के लिए पैर उठा करके रखे। कई बार ऐसा हुआ तो पालकी में सर राजा रहुगढ़ का टकरा गया। आज मेरे बंधुओं, होता क्या है, एक कहार ने कहा, महाराज जो नया कहार आया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है। राजा रहुगढ़ रथ अपनी पालकी से नीचे उतरे और खड़े होकर के कहने लगे, देखने में तुम बहुत ही लट्ठे गट्ठे हो, बड़े अच्छे शरीर वाले हो, लेकिन आपको क्या कोई रोग है, चला नहीं जाता। कहा, महाराज अगर मुझे कोई रोग भी हो, मुझे कोई रोग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे शरीर को ही तो रोग होगा, मेरी आत्मा को तो नहीं होगा। उन्होंने कहा, आत्मा क्या अलग है शरीर से? कहा, क्यों नहीं, आत्मा निर्लेप है राजन,
अरे ये आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को ना कोई अस्त्र काट सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गला सकता है। आत्मा निर्लेप है राजन। जिस प्रकार से हम जलती हुई अग्नि पर एक बर्तन रखें, उसमें हम पत्थर डालें, दूध डाल दें, उसमें पत्थर डाल दें, तो उसमें कभी पत्थर घुल नहीं सकते। ऐसे ही ये आत्मा निर्लेप है। आज ऐसे जब उनके वचन सुने हैं, उनकी आंखें खुल गई, उनका तज खुल गया, सोचने लगे वास्तव में ये तो कोई ऊंचे संत नजर आ रहे हैं। मेरे बंधु, इसलिए हमें अपने जीवन में विशेष का ध्यान रखना है। आत्मज्ञान हमारे जीवन में सदैव हमारे काम आता है। मैं आपके योगेश महाराज, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 97194734। भजन बड़ा ही सुंदर है, आइए भजन का आनंद लेते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाला जीवन भर पछताता है। गलत मार्ग पर चलने वाला, गलत मार्ग पर चलने वाला जीवन भर पछताता है। झुकना है तो झुको, गुड़ों से गुड़ी न ऐठ दिखाता है। झुकना है तो झुको, गुड़ों से गुड़ी न ऐठ दिखाता है। पछताता है। झुकना है तो झुको, गुड़ों से गुड़ी न ऐठ दिखाता है। झुकना है तो झुको, गुड़ों से गुड़ी न ऐठ दिखाता है। प्यारे, गलत मार्ग पर चलने वाला जीव हमेशा पछताता है। इस दुनिया में अच्छे गुणों के साथ आप किसी को भी झुका सकते हो। जो गुड़ी होते हैं वो कभी ऐंट नहीं दिखाते। सुनिएगा भजन में क्या बताया। अरे पेड़ पे ज्यो ज्यो फल भरते हैं, त्यों त्यों झुकता जाता है। जो झुकता है उस दुनिया में वो ही ऊंचा जाता है। हाँ, पेड़ पे जो जो फल भरते ही त्यों त्यों झुकता जाता है। जो झुकता है इस दुनिया में वो ही ऊंचा जाता है। डरना हो तो बुरे कर्म से, डरना हो तो बुरे कर्म से जीवन भर पछताता है। झुकना है तो झुको, गुड़ों से गुड़ी न ऐंठ दिखाता है। झुकना है तो झुको, गुड़ों से गुड़ी न ऐंठ दिखाता है। प्यारे, जिस प्रकार से फल बढ़ता है ना, पेड़ झुकता आता है, ऐसे ही जीवन में जो जितना झुका है वो उतना ऊंचा गया है। पत्थर से अच्छा तुम खुद को दीप बना लेना। हर दीपक में दीप जलाने की
की शक्ति पहुंचा देना। हाँ पारस पत्थर से अच्छा तुम खुद को दीप बना लेना। हर दीपक में दीप जलाने की शक्ति पहुंचा देना। उनकी चैन कभी ना मिलता, उनकी चैन कभी ना मिलता, जिनका दिल काला होता। झुकना है तो झुको गुणों से, गुड़ी में ऐंठ नहीं दिखता। झुकना है तो झुको गुणों से, गुड़ी में ऐंठ नहीं दिखता। तिल तिल मरने से अच्छा हो एक बार मरना। मरना हो तो मरो देश हित, मरने से काहे डरना। रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा हो एक बार मरना। बोल सको तो हिंदी बोलो, बोल सको तो हिंदी बोलो, हिंदी अपनी भाषा है। झुकना है तो झुको गुड़ों से, गुड़ी ने ऐंठ दिखाता है। झुकना है तो झुको गुड़ों से, गुड़ी ने ऐंठ दिखाता है। गलत मार्ग पर चलने वाला, गलत मार्ग पर चलने वाला जीवन भर पछताता है। झुकना है तो झुको गुड़ों से, गुड़ी ने ऐंठ दिखाता है। झुकना है तो झुको गुड़ों से, गुड़ी ने ऐंठ दिखाता है। झुकना है तो झुको गुड़ों से, गुड़ी ने ऐंठ दिखाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, इसे पर वो चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, कोई दुनिया में आता है।
जो जैसा बीज बोता है। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। सभी दुख दूर होते हैं। कभी सुख पा नहीं सकता, कभी सुख पा नहीं सकता जो ईश्वर को भुलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है। सृष्टि का करता है, वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। तपस्वी याद करते हैं। उसी के ही मगन मन से, उसी के ही मगन मन से पथिक भी गीत गाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है।
कोई दुनिया में आता है, दुनिया से जाता है, कोई दुनिया से जाता है, कोई दुनिया से जाता है। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, मैं छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। भजन के बोल। अब हमें यह जानना है कि आनंद क्या है। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, इस संसार में आनंद में कौन है? गुरु ने कहा, सबसे पहली बात, जिसने संसार को पीठ दी, जिसने संसार को पीठ दी है और भगवान की तरफ मुख किया है, हैं? जो उसकी रजा में राजी है, जिसके मन में दया है, वो सदा आनंद में है। पहली बात। दूसरी बात, जो सच बोलता है, जो ज्ञानी है, जिसके मन में प्रेम है, जो छल कपट से दूर है, जो विषयों की ओर विषय दूर है, अज्ञान का अमृत पीता है, वह सदा आनंद में है। तीसरी बात, जो दीन दुखियों के दुख दूर करता है, जिसमें सेवा की भावना है, जिसका मन माया मोह से दूर है, जो सदा आत्मा का चिंतन करता है, यानी वो सदा आनंद में है। चौथी बात, जो निंदा और चुगली से दूर है, जो बुरी संगत से दूर है, जिसको सत्संग पसंद है, जो सबकी भलाई करता है, जिसके मन में नम्रता है, वो सदा आनंद में है। पांचवी बात, जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा जिसको प्रेम करते हैं, हैं? और जो परमात्मा की आज्ञा पर चलता है और जो गुरु से प्यार करता है, वो सदा आनंद में है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, आनंद की व्याख्या भागवत में भी बहुत बड़ी है। आनंद भगवान का नाम है। हम आपके छोटे भाई योगेश महाराज आपसे एक ही निवेदन करेंगे, अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना, और भूल हो जाती है, ये मांस की जीभ है, अगर कोई भी हाँ गलत शब्द निकल जाए तो कमेंट में हमें बताना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 97194734। आइए भजन के द्वारा सुनते हैं क्या बताया है। मैं छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। मैं छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। हे हरि, तब आपका हृदय में वास रहे, चाहे मुझे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, इसकी कोई परवाह नहीं। बिठाए हैं तेरी लीला अजब निराली है, इसे कोई समझ नहीं पाए हैं। हाँ तेरी लीला हो सब से प्यारी हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले। मैं छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे वास तुम्हारा हो।
दिल की मूर्ति मान में हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में बास तो मारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले। हे प्रभु, ऐसी कौन सी जगह है तू जहां नहीं है? तुम तो कीर्तिमान हो, मेरे ऊपर दया करना। की बस ये चाहत हो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में बास तो मारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले। मैं छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, मैं छोड़ चलूं इस दुनिया को, हो तो पे नाम तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में बास तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में बास तुम्हारा। हाँ, तो आप सभी आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। हम आपके जाने पहचाने योगेश महाराज। मेरे बंधुओं, भजन बड़ा ही सुंदर है। तेरे नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुख भर आया। संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है और ना आनंद है मेरे बंधुओं। हम संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो कह रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याद हेतवे तापत्र वनासाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय यानी सच्चा आनंद एक प्रभु के नाम में है। संसार की किसी भी वस्तु में आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। इस भवरूपी सागर से पार होने के लिए प्रभु आनंद रूपी नौका में, प्रभु नाम के रूपी आनंद जो है नौका है ना, उसमें बैठना पड़ेगा, जब ही हम भवरूपी सागर से पार हो पाए। क्योंकि नंदघर आनंद भय जय कन्हैया लाल। आनंद भगवान का नाम है, आनंद कोई स्थान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भक्त भगवान से कहता है, प्रभु तेरी कृपा से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ मुझे तेरी दया से तेरी कृपा से मिला है, सिर्फ ऐसे ही कृपा बनाए रखना, आपका नाम स्मरण करता रहूं, आपका ध्यान और चिंतन करता रहूं, कभी आपसे दूर ना हूं, बस यही वरदान चाहता हूं। और हमें आपको भी यही वरदान प्रभु से चाहना है, पाना है। आइए सुनते हैं भजन में क्या बताए। सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया,
कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। जब दुनिया की ठोकर लगी तो दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ मुझे तेरा सहारा मिला, तेरे सहारे के सिवा इस दुनिया में और कोई मेरा सहारा नहीं है। हे प्रभु, और सुनिएगा, कवि ने कलम को उठाया, किसने सुंदर शब्द लिखे। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नया रहे उलझाए, चंचल माया के रंग में ये नया रहे उलझाए। जितनी भी बार गिराऊं, जितनी भी बार गिराऊं, तू ने पग पग मुझे उठाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, हो तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। हे प्रभु, जब आप संग हो हैं तो ये चंचल माया कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकती है, लेकिन जब जब आप से दूर हो जाता हूं तब तब मेरे पग डगमगा जाते हैं, इसलिए मेरा साथ ना छोड़, आपकी सिर्फ दया और कृपा चाहिए। भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, वो तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया।